वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। वट सावित्री व्रत इस साल 22 मई को है। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त मई 21, 2020 को रात 9 बजे से लेकर मई 22, 2020 को रात 11:08 तक है। वट सावित्री व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर ले आई थी। अंततः इस व्रत का महिलाओं के बीच विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन वट बर्ड बरगद का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद सुहागिने नए वस्त्र धारण करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं खूब सती सवरती हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद सभी पूजन सामग्रियों को किसी बांस से बनी टोकरी या पीतल के पात्र में इकट्ठा कर लें। अपने नज़दीकी वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें और माता सावित्री को वस्त्र व 16 सिंगार चढ़ाएं। फल फूल अर्पित करने के बाद वट वृक्ष को पंखा झेलें। रोली से पेड़ की परिक्रमा करें और फिर व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुने। इसके बाद दिन भर व्रत रखें। वट सावित्री व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार अशुपति नाम का एक राजा था। राजा के घर कन्या के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर सत्यवान को चुन लिया। सत्यवान महाराजा धूमसेन का पुत्र था। वहीं जब सावित्री विवाह करके लौटी तो नारद जी ने अशुपति को बधाई दी। साथ ही नारद मुनि ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सत्यवान अल्पायु है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांग पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथस्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुण्य वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह 3रा वरदान पूरा कीजिए।
सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वटवृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वटवृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। इसी प्रकार वटवृक्ष की पूजा की जाती है।